पंचायती चुनाव के चलते डीएसपी ओम प्रकाश ने अपनी टीम के साथ मिलकर सभी 113 बूथों का निरीक्षण किया। साथ में एसएचओ सुनील कुमार, पुष्पेंद्र वैदलबीर तथा अन्य साथियों के साथ पूरे ब्लॉक का दौरा भी किया। उन्होंने बताया कि चुनाव के समय किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर कोई भी हुड़दंगबाजी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ओम प्रकाश ने गांव-गांव जाकर सभी गांव वालों को हिदायत भी दी कि वे शांतिपूर्ण मतदान करवाएं। समालखा थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि उनकी यह प्रक्रिया 2 दिन से चली हुई है और इसके चलते उन्होंने आसपास के सभी गांव का दौरा भी किया। ये आगामी जो सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव है उनकी सुरक्षा उनको देखते हुए हर बूथ का दौरा किया गया है। शनिवार रविवार 2 दिन में हमने हर एक बूथ पे जाके, चाहे वो संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, नॉर्मल है, हर बूथ पे जाके वहाँ लोगों को शांतिपूर्वक चुनाव कराने की लिए हिदायत दी गई है। कितने बूथ है सर एरिया में? तकरीबन 113 बूथों का हमने दौरा किया है जो समालखा क्षेत्र के आते हैं। हर एक बूथ पे जाके वहाँ से हमने सबसे अपील की। क्या हिदायतें दी सर? चुनाव शांतिपूर्वक हो, आपस में किसी की कोई वैर भाव की वो नहीं रखनी है, शांतिपूर्वक इलेक्शन के लिए यही उनको हिदायतें की गई है। अगर कोई गलत तरीका अपनाता है उसके खिलाफ क्या? उसके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो है जो भी कानूनी प्रक्रिया उसके तहत कार्रवाई की जाएगी अगर कोई नियम तोड़ता है। साथ में टीम भी थी आपकी? टीम थी, हमने सारे गाँव अपने एरिया के मनाना, अधिकारना, नारायणा, चुलपाना, अपना हल्दाना में गोड़वाल माजरी है, अपना हथवाड़ा, रक्षेड़ा, गढ़ी छाजू, पट्टी कल्याणा, सभी गांव, लगभग टोटल गांव हमने 2 दिन में कवर करके किया। डीएसपी साहब साथ में थे? श्री ओम प्रकाश डीएसपी साहब हमारे साथ ही, उनकी टीम भी हमारे साथ ही थी, इकट्ठे दौरा किया है, हर बूथ पे जाके हिदायत दी गई। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।